ये देखिए, ये कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये टेबल मैट में बहुत ही सुंदर लगेगा। वाइट में आप जो भी कलर चाहे वो दे सकते हैं, इसे ब्लू भी दे सकते हैं, ब्राउन भी दे सकते हैं, स्काई ब्लू भी दे सकते हैं। मैं इतना कलर दे रही हूँ, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए, मैं पहले चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये देखिए 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये देखिए 50 चेन हो चुका है। ऐसा हमको पूरा 155 चेन बनाना है। ये मैं 50 चेन बना चुकी हूँ, ऐसा पूरा 155 चेन, 155 चेन बनाइए। ये देखिए 155 बना चुके हैं ये चेन पूरा। अब बनाने के बाद अब कैसे बनाएंगे, पहले आप डबल कुर्सी ले, 1, 2, 3, 4 चेन गैप करें। 4 चेन गैप करने के बाद ये देखिए, यहाँ से निकालें आप धागे को और फिर डबल चेन ऐसे करके, फिर 1 चेन लें, फिर 1 चेन गैप करके, फिर डबल कुर्सी बनाए, फिर 1 चेन ले, 1 चेन गैप करें, फिर 1 चेन में ऐसे डबल कुर्सी बनाते जाएं, ऐसे ही पूरे में 1 चेन गैप, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर 1 चेन, 1 चेन गैप, फिर 1 चेन, ये देखिए 1 चेन गैप, पूरे में ऐसे ही करते जाएंगे हम। देखिए एक चेन ऊपर से लेंगे, यहाँ से एक चेन गैप करेंगे और दूसरे वाले चेन में डबल कुर्सी बनाएंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ऐसे ही बनता जाएगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। ये टेबल मैट आप लोगों को बनाना बता रही हूँ, न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। वन चेन गैप कर कर के और फिर डबल कुर्सी बनाकर यहाँ 1 चेन बनाए, फिर यहाँ 1 चेन गैप करके, फिर यहाँ ऐसे बनाए, फिर 1 चेन गैप करें, फिर डबल कुर्सी बनाए, फिर 1 चेन गैप करें, फिर डबल कुर्सी बनाए, फिर 1 चेन, ऐसे ही करते करते पूरे में बनाना है। ये देखिए इतना लंबा बनाना है, सेम वैसे ही 1 गैप कर कर के बनाना है, 1 चेन। बहुत ही स्लो बता रही हूँ, प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें आप लोग। फिर 1 चेन, फिर 1 चेन, 1 चेन गैप, फिर 1 चेन, 1 चेन गैप, 1 चेन गैप करना है,
ऊपर से लेना है वांछन, नीचे से वांछन गैप करना है, फिर देखिए डबल कुर्सी बना के वांछन लेना है, फिर यहाँ पे वांछन ये करके यहाँ देखिए वांछन घटाना है। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन है ये। पूरा में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
अब ये देखिए पीछे करके 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ जो है इसमें ये जो पहले ये जो यहाँ पे है इसमें डबल कुर्सी लेंगे, चेन नहीं लेना है। फिर ये जो गैप है गैप के अंदर से डबल कुर्सी लेंगे। फिर ये जो डबल कुर्सी लिए इसके ऊपर से चेन से निकालेंगे डबल कुर्सी। फिर ये गैपिंग से निकालेंगे अंदर से डबल कुर्सी। फिर ये जो डबल कुर्सी उसके ऊपर चेन चेन से निकालेंगे। फिर इसके गैप से डबल कुर्सी, फिर इसके चेन से डबल कुर्सी। ये देखिए कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार बना चुके हैं। सेवन बना चुके हैं। फिर देखिए 1 चेन लेना है। 1 चेन लेने के बाद ये देखिए 1 2 3 2 गैप करके 3 में ये देखिए ऐसे 1 डबल कुर्सी ये देखिए। फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर इतना बड़ा बनाएंगे, फिर इसी के अंदर से 1 2 3 4 5 5 चेन बना के इसे ऐसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बना के फिर जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे ऐसे सिंगल कुर्सी से बांध देंगे। देखिए फिर यहीं पे जहाँ पे डबल कुर्सी लिए फिर उसी में से डबल कुर्सी लेंगे। ये देखिए फिर इसे बांध कर फिर 1 चेन लेंगे। ये देखिए फिर इतना लंबा लेके, ज़्यादा लंबा नहीं लेना है। फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 देखिए 5 हो गया। अब इसे ऐसे बांध देंगे। बांधने के बाद 1 2 3 4
फोर चेन, फिर यहीं से ऐसे सिंगल कुर्सी से ऐसे बांध देंगे। बांधने के बाद फिर इसी से जो है उसी में से फिर से निकालना है, डबल कुर्सी बनाना है, फिर वन चेन बनाना है, फिर इतना लेना है, फिर पांच बार बनाना है ऐसे ही, वन टू थ्री फोर फाइव। फिर इसे ऐसे सॉलिड बंद कर देना है। बंद करने के बाद वन टू थ्री फोर चेन लेना है, फोर चेन लेके जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं से फिर से ऐसे बंद करके फिर यहीं से ऐसे चेन लेना है, चेन लेके फिर ऐसे ही बनाना है, ऐसा वन टू थ्री ऐसा चार बार बनाना है। ये देखिए ऐसे यहाँ से स्टार्ट किए, ये देखिए ऊपर चेन डबल कुर्सी के ऊपर से ऐसे चेन स्टार्ट किए थे, वन चेन लेकर वन टू गैप करके यहाँ पे तीसरा वाला में ऐसे बनाए हैं फोर। फिर यहाँ देखिए वन चेन लेंगे, वन चेन लेने के बाद फिर देखिए ये थर्ड है, फिर वन टू गैप करना है, गैप करके देखिए वन टू गैप करके ये जो डबल कुर्सी बना है इसके ऊपर में ऐसे डबल कुर्सी बनाना है, फिर इसके अंदर में डबल कुर्सी बनाना है, फिर चेन में डबल कुर्सी बनाना है, फिर इसके अंदर। प्लीज वीडियो अच्छे से देखें, वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन हो चुका है। फिर वन चेन लेंगे, फिर वन चेन लेने के बाद वन टू आइए थर्ड वाला में डायरेक्ट ऐसे डबल कुर्सी बनाएंगे, डबल कुर्सी बना के वन चेन लेकर ये देखें वन टू थ्री फोर फाइव बनाकर डायरेक्ट ऐसे बंद करके वन टू थ्री फोर चेन लेना है, चेन लेके जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे सिंगल कुर्सी से बंद कर देना है, फिर वहीं से डबल कुर्सी बनाना है, वन चेन लेना है, फिर आप अपने अंदाज से जितना चाहे उतना लंबा बना सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। फिर इसे सिंगल कुर्सी से बांध देंगे, वन टू थ्री फोर चेन, फोर चेन के बाद डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ऐसे बंद कर देंगे, फिर डबल कुर्सी बनाएंगे, फिर वन चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, सॉरी फोर, फोर चेन लेना है जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे ऐसे सिंगल कुर्सी से बांध देना है, फिर डबल कुर्सी लेना है, फिर वन चेन लेना है, रिपीट बता रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर चेन जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहीं पे ऐसे बांध देंगे, फिर वन चेन लेंगे,
फिर देखिए ये बीच का हो गया, बीच में फोल्ड लिए हैं ऐसे देखिए, फिर ये 1 2 गैपिंग करके ये जो डबल कुर्सी के ऊपर में जो चेन है वहाँ पे ऐसे डबल कुर्सी बनाएंगे, फिर इसके अंदर से डबल कुर्सी बनाएंगे, फिर इसके चेन में डबल कुर्सी बनाएंगे, फिर इसके अंदर में, फिर इसके चेन में ऐसे ही बनाते जाएंगे पूरे में। फिर इसके चेन में 1 2 3 4 5 6 7 7 हो चुका है। फिर 1 चेन लेके देखिए 1 2 गैपिंग करके यहाँ तीसरा वाला में डबल कुर्सी बनाकर 1 चेन लेकर फिर से 1 2 3 4 5 फिर सीधा बंद कर देना है। बंद करने के बाद 1 2 3 4 चेन फिर सिंगल कुर्सी से बांध देना है, फिर डबल कुर्सी लेना है, फिर 1 चेन लेना है। ये देखिए ऐसे ही बनाते जाना है। ये देखिए 7 डबल कुर्सी लेके फिर यहाँ पे 2 गैप करके फिर यहाँ पे ऐसे बनाए, फिर 2 गैप करके 7 चेन लिए हैं डबल कुर्सी, फिर यहाँ पे ऐसे बनाए हैं देखिए, फिर यहाँ पे ऐसे ही करते करते पूरे में बनाएंगे, बहुत ही सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन। ये देखिए, ये देखिए ऐसे ही बनता जाएगा पूरे में। ये वाइट कलर का बनाए हैं। अब इसके ऊपर दूसरा कलर देंगे, रेड ब्लू पिंक ऑरेंज येलो जो चाहे वो कलर दे सकते हैं इसके ऊपर। ये वन लाइन कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देखिए इसमें दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए यहाँ जो है चेन बनाए थे वहाँ से इसे स्टार्ट करना है। रेड कलर से ज्वाइंट कर रहे हैं सिंगल कुर्सी, फिर 1 2 3 चेन, 3 चेन बनाए हैं, फिर यहाँ पे 1 डबल कुर्सी, 2 डबल कुर्सी, 3 डबल कुर्सी। ये देखिए यहाँ फोर 5 6 7 ये देखिए 7 डबल कुर्सी बना ली है। फिर 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद यहाँ से ये जो है इसमें से डबल कुर्सी निकालेंगे डायरेक्ट, चेन नहीं बनाएंगे। फिर यहाँ से इसमें से डबल कुर्सी निकालेंगे, फिर ये वाला में से अंदर से निकालेंगे डबल कुर्सी,
आप ये डिजाइन का टेबल, ये टेबल मैट है, आप इसे गेट पर्दा में भी यूज कर सकते हैं, थाल पोश में भी ये डिजाइन यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन है ये वन चेन। वन चेन के बाद फिर से यहाँ पे सेवन डबल कुर्सी, वन चेन, वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन, ये देखिए सेवन डबल कुर्सी हो गया है। फिर वन चेन लेंगे, फिर डबल कुर्सी बनाएंगे। ये जो बनाए हैं ये जो है इसके अंदर से ऐसे डालकर डबल कुर्सी चार बार बनाएंगे। यहाँ पे चार है, चारों के अंदर ऐसे डाल के डबल कुर्सी बनाएंगे। बहुत ही स्लो स्लो बता रही ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देख चार डबल कुर्सी हो गया, फिर वन चेन, वन चेन के बाद डायरेक्ट यहाँ से सेवन डबल कुर्सी, वन टू थ्री डायरेक्ट सेवन बनाना है। पूरे में ऐसे ही बनाते जाना है। ये देखिए सेम रिपीट करते जाएंगे ऐसे ही। ये सेवन लाइन कंप्लीट हो चुका है। फिर वन चेन लेंगे, फिर ये सेम वैसे ही बनाएंगे लास्ट में, वन डबल कुर्सी। ये चार है तो चार ही डबल कुर्सी लेंगे। फिर वन चेन, सेवन डबल कुर्सी, ये देखिए सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया। फिर वन चेन लेंगे, वन चेन लेने के बाद यहाँ से डायरेक्ट डबल कुर्सी बनाएंगे। ये देखिए गैपिंग हो गया, फिर वन टू थ्री चेन लेके फिर आगे, ये देखिए आगे ऐसे हो जाएगा। आगे करेंगे फिर सेवन डबल कुर्सी, सेवन डबल कुर्सी, वन चेन,
देखिए सेमेंट डबल कुर्सी बांध चेन। अब यही से ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे ये जो है यहाँ से ऐसे डबल कुर्सी निकालेंगे, फिर वन चेन, फिर इतना लेंगे। इतना लेने के बाद वन टू थ्री फोर फाइव, आप अपने मर्जी से जितना चाहे उतना ले सकते हैं। फिर होके वन टू थ्री फोर चेन, फोर चेन के बाद डायरेक्ट यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे ऐसे बंद कर देंगे। फिर यहाँ से डबल कुर्सी लेंगे, फिर वन चेन लेंगे, फिर इतना। प्लीज वीडियो पूरा देखा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। वन टू थ्री फोर चेन, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे ऐसे सिंगल कुर्सी से बांध देंगे। फिर से सेम वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर चेन, लास्ट। वन टू थ्री फोर, फिर वन चेन, फिर सेवन डबल कुर्सी, सेवन डबल कुर्सी, फिर वन चेन। ये देखिए ऐसे ही बनता जाएगा आगे में, ऐसे ऐसे पूरा यहाँ पे सेवन चेन, सेवन डबल कुर्सी, सेवन डबल कुर्सी करके ये देखिए वाइट किए, फिर रेड किए, फिर वाइट बनाएंगे। फिर आप जो चाहे वो कलर दे सकते हैं, ब्लू ग्रीन ऑरेंज जो भी, फिर ऐसे करके, लेकिन वाइट सबके बीच में रहेगा। ये देखिए, ये देखिए ऐसे ही बनता जाएगा पूरे में, नाइन है पूरे में, ऐसे ही बनता जाएगा। अब मैं वाइट ज्वाइंट करूँगी, फिर ब्लू ज्वाइंट करूँगी। बन के देखिए ऐसे कंप्लीट हो गया, पहले वाइट फिर रेड, वाइट सबके बीच में देना है, ब्लू दिए, ग्रीन दिए, पिंक दिए, फिर स्काई ब्लू दिए हैं, ऑरेंज दिए हैं। अब ये मेहंदी कलर दे रही हूँ मैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन, आप लोग भी ट्राई करें। ये देखिए कैसे बनाना है, मैं बता दी स्टेप वाइज, आप बना सकते हैं ये। इसे आप ये लंबा डायरेक्ट पर्दा भी बना सकते हैं, हाफ पर्दा, आप इसे यहाँ बीच से स्टार्ट करके थाल पोस्ट भी बना सकते हैं। आप इसे सिर्फ एक यहाँ से एक लाइन ऐसे ऐसे करके आप ये बॉर्डर भी बना सकते हैं। आप इसे पूरा ऐसे करके पिल्लो कवर भी बना सकते हैं, टेबल मैट भी बना सकते हैं, आप चाहे तो बहुत कुछ इससे बना सकते हैं। ये देखिए ये पीछे का है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन, आप लोग भी ट्राई करें।
ये देखिए 1 2 3 4 5 बनाए हैं, 6 7 फिर 1 चेन। अब ये जो बनाए हैं इसके अंदर से ऐसे ले जाएंगे डबल कुर्सी, 4 बार बनाएंगे, फिर 1 चेन, फिर यहाँ से 7 डबल कुर्सी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 7 डबल कुर्सी, फिर 1 चेन यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर डबल कुर्सी, फिर ये देखिए आगे में ऐसे लाकर फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाना है। 5 चेन बना के यहाँ पे ऐसे डबल कुर्सी 7 टाइम बनाना है, रिपीट बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लीज वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। देखिए 7 डबल कुर्सी बनाकर 1 चेन बनाए हैं, अब 1 चेन बनाकर ऐसा बनाएंगे, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। फिर 1 चेन, 1 2 3 4 5 चाहे बना सकते हैं, फिर इसे ऐसे बंद कर दे। बंद करने के बाद 1 2 3 4 चेन ले और जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहीं से देखिए ऐसे बंद कर दे। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन लग रहा है ये। फिर यहाँ पे डबल कुर्सी 1 चेन, 1 2 3 4 5, फिर इसे बंद कर देंगे, फिर 1 2 3 4 चेन जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से इसे बंद करके 1 चेन लेंगे, फिर यहाँ देखिए ऐसे 7 डबल कुर्सी बनाएंगे, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये डिजाइन, ऐसे ही बनाते जाना है। ये देखिए साइड के आप लोग ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें, सिंगल कुर्सी से फिर 1 चेन ले, 1 2 गैप करके यहाँ पे डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 चेन लेकर डायरेक्ट ऐसे
ऐसे बंद कर दे रहा है। फिर इसी में डबल कुर्सी लेकर 1 2 3 4 5 6 चेन लेकर इसी के अंदर ऐसे बंद कर देना है। फिर इसी में डबल कुर्सी लेकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 5 बार करना है। कंप्लीट होने के बाद साइड से ऐसे ही बनाएंगे। सिक्स चेन, फिर यहाँ पे सिंगल कुर्सी से ऐसे बांध देंगे। फिर 1 चेन लेकर ये देखिए 1 2 गैप करके 1 2 गैप करके यहाँ पे ऐसे सिंगल कुर्सी से बांधेंगे। फिर 1 चेन लेंगे 1 2 गैप करके फिर से रिपीट 1 2 3 4 5 6 पांच बार बनाना है। प्लीज वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। फिर सिंगल कुर्सी 1 चेन 1 2 गैप करके फिर यहाँ पे ऐसे सिंगल कुर्सी फिर 1 चेन 1 2 गैप करके डायरेक्ट 6 बार बनाना है। चेन लेके सेम ऐसे ही पूरे में बनाते जाना है। ये देखिए ऐसा पूरे में पूरे साइड साइड में चारों तरफ से ऐसे ही बनाना है। प्लीज़ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले, शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।